क्या तारीख है भाई? 31 अक्टूबर के गेहूं है, शादी डाई के दो दड़ी के बीघे के हिसाब से। पहले भाई ये देख लो, जो 31 अक्टूबर के गेहूं है और आज है भाई 21, लगभग 21-22 दिन हो लिए भाई, लगभग 22 दिन हो लिए हैं ना। और 22 दिन में ही हो शादी, जो शादी डाई है दो धड़ी का 10 किलो प्रति बीघे की एवरेज के हिसाब से, ये यो इसकी भाई जड़ है। या देखो भाई, जड़ जो शादी डाई है उसकी जड़ है, इसके रूट देखो, रूट्स भाई। आज आए हैं शिवम भाई के खेत पर। शिवम भाई ने 31 अक्टूबर को गेहूं बुआए थे भाई लिक्विड डाई था। और भाई पूछते हैं, अब जो लिक्विड डाई बोई और जो 31 अक्टूबर को उसी दिन वसी शादी डाई था गेहूं बुए थे, तो उसमें उस गेहूं की जड़ों में हम अंतर देखेंगे किस गेहूं की जड़ों ने ज़्यादा विकास कराया। तो भाई नमस्कार मोहित भाई और सभी व्यूवर्स। भाई जो ये DAP है, ये 31 अक्टूबर को हमने बोए थे, आपने बिजाई करी थी अपनी मशीन से, तो ये हमने इसमें लिक्विड डाई लगाई थी। और लिक्विड डाई लगाने के बाद, और वो आपने सादी डाई से इफको वाली से बोए थे, जिसकी हम अभी जड़ उखाड़ कर लाए। अब देखते हैं इसकी जड़ में और उसकी जड़ में क्या अंतर है, इसकी भी हम ऐसे ही जड़ उखाड़ेंगे भाई। तो भाई देखेंगे 31 अक्टूबर का, आज 21 नवंबर है भाई, तो लगभग 21-22 दिन ही हो चुके हैं। और भाई पाड़ रहे हैं, पहले तो गुंछे वाली, पहले तो भाई तीन वाले पाड़ रहे हैं हम, जो लगभग तीन भाई। कल्डी हो रही, थोड़ी सी चिक्कन सी है, तो थोड़ी सी कल्डी डली बन रही, डली में टूट गई भाई जड़ सारी, जड़ टूट टूट गई गई सारी। कहीं तो नरम सी देख, जो ना कुछ नरम सा हो, ये धोरे की लान ना पड़े, यहाँ तो ट्रैक्टर चिकल दे ना, ये यहाँ को बाढ़ जहाँ को फोकी सी। हाँ यहाँ को देख, फोकी सी काटते हैं पहले मिट्टी सीधा बाढ़ सीधा। मिट्टी हटाया था हाँ, मिट्टी हटा कर फिर खुरपा सीधा बैठ एकदम जड़ में, तो तू खुरपा बैठ दे वो टूट जा फिर। भाई जो आप लिक्विड डाई है 45 ओमैक्स इंग्लैंड की कंपनी है भाई, इसके द्वारा जो लिक्विड डाई द्वारा जो बोए गए गेहूँ हैं, हम उनकी जड़ों को आपको दिखाएंगे। ये डली की साथ मिट्टी की साथ टूट जा नहीं, बारीक बारीक गुंछा, आ जाओ। ये भी ठाऊ का हाँ ठहर जाओ, चलिए तो रहने दे भाई। दिखाते हैं भाई दोनों गेहूं है जो शादी के, और जो भाई जो है 45 है लिक्विड डाई है जो इसके। मोहित भाई ये है, भाई ये वाली है जो, ये वाली, ये ये वाली है 7D DAP सादी डीएपी, इपको के गट्टे वाली, हाँ इपको और वाली, यह है ओमेक्स की 45 DAP की या जड़। फोर इसकी थोड़ी सी डली तो मत, डली तो भाई बीच ये द इन्होंने बीच तांतणों ने जगड़ रखी है ना, बीच द देखो हल्की सी तांतणे जो हैं इसके, यही अगर की थोड़ी सी बीच द, ऐसा करूँगा और इसमें यूँ देखो आप भाई, ये रुक जा देख दोबारा बनाऊंगा ना। तो इसमें यह देख भाई मिलाकर कि वाइट रूट्स कितनी है, कितनी इसमें वाइट रूट्स चल रही। भाई जो है इसकी जड़ घिण हाँ की है, तांतने ज्यादा है। एक तांतने बार भी यहाँ और दर, जड़ यहाँ भी दर ज्यादा है, आप इस पर देखो रख कर। भाई, ये जो है ये वाली, ये वाली है लिक्विड वाली की भाई, इसके भी पेड्डे तो नहीं कर, पेड्डे थोड़े ज्यादा है, कहाँ पेड्डे है इसके, इसके तो दो है, दो ही कर इसके भी भाई। ये देखो आप, ये वाली है जो, ये है लिक्विड DAP जो 45 है ओमैक्स की, और ये है जो भाई इफको की डाई है 10 किलो का प्रति बीघे की दर से पड़ी हुई। और एक ही दिन के, सेम दिन के, लगभग 21-22 दिन के दोनों पौधे हैं। ऐसे नहीं भाई, ऐसा दिखा करके मोहित भाई, ये देखो भाई, लंबाई भाई जड़ की, इसकी लंबाई देखो इस वाले की, जो और इसकी भी देख लो भाई, इसकी भी देख लो देखो दोनों में कितना अंतर है। भाई, जो ये वाली जड़ है जो इधर वाली, ये है लिक्विड DAP की, और जो ये है इपको की DAP जो 10 किलो का प्रति बीघा की दर से पड़ी। और यह तो और भी नीचे, अब यहाँ देखो सेंटर है, यानी के हाँ साधी जड़ है इसकी, मतलब इपको के गट्टे वाले अच्छा की, अच्छा अच्छा
और इसकी जो लिक्विड डीएपी की जड़ है, ये नहीं कि आपने ये पार लिया पूरे खेत में से कहीं से पार। यहाँ धर भाई, यहाँ धर इसे एक बार भाई दिखाऊंगा। देखो लंबाई, और भाई ये देखो जड़ की लंबाई, और भाई वह देखो गिण की, ये भी दो पेड़ है भाई, ये भी दो ही पेड़ है जो इफको वाले हैं। ये देख कहाँ तक जा रही है, और भाई इसकी लंबाई देख लो कहाँ तक जा रही, कितने नीचे तक जा रही है जड़, और भाई उसकी जड़ देख लो। तो भाई जो है यार लिक्विड डीएपी के बारे में भाई इस तो पूछते हैं सीएम तो, यो कई साल तक इसे भाई गेहूं बुआई भी कर रहा है, गन्ना बुआई भी इसी तक कर रहा है, तो इसमें इसमें अंतर तो हमें भाई गेहूं बुआई में तो साफ ये यहाँ हमने दिखा दिया भाई जड़ों में देखो अंतर है, सेम दिन की सेम उसकी वैरायटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, और भाई अंतर देख लो जड़ों में कितना। तो भाई इसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताओ भाई। ये जो डीएपी है ये इंग्लैंड की डीएपी, ये जो है इंग्लैंड की डीएपी है मोहित भाई। अच्छा। और जो अपनी गट्टे वाली डीएपी आती है भाई, उसमें 46% फास्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है, और वो जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, आप उसे गन्ना बोओगे तो अगर गन्ने की कंची की आंख पर भी घेर दोगे तो वो आंख को गड़ा देती है। और ये क्या है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। मतलब एकदम यहाँ इसका लगी दाने का या बीज का किसी काम भी शुरू भाई, तभी तो, जब लगी तब से ही शुरू, जब से दाने पर लग जाएगी, चाहे हम गन्ने पर चाहे किसी भी बीज पर घेरे गेहूं का किसी भी चीज का, तो एकदम काम अपना चालू कर देती है डाई लिक्विड। और भाई हम इसे पिछले 3 साल से यूज कर रहे, तब से हमने दुकान करी थी, ये नहीं कि भाई हम किसानों को दे रहे, अपने ही खेत में यूज कर रहे भाई की पेस्टिसाइड की दुकान है। जैसे जैसे हमने वीडियो पहले बनाई थी वह गेहूं के बीज वाली और जेई के बीज वाली, तो वह भाई की दुकान है और यह भाई का खेत है जिसमें आप 45 डाई लगवाई गई है लिक्विड, इन खुद के खेत पूरे में भी लगाता है। जर्मिनेशन देख लो भाई, देखो खेत का इस सारा एक सार खेत है, ये गन्ना भी इसी से बोया है भाई, यो जो बराबर में है यो गन्ना भी और यो इधर वाला गन्ना भी, ये भी इसी का स्प्रे लगा हुआ है इस पर भी, यो ठारा गुलाब भी ठारा, इसमें भी इसी डीएपी का स्प्रे लगा हुआ है, और भाई उसमें भी इसी डीएपी का लिक्विड का, और भाई ये गेहूं का तुम देख लो प्लाट जबरदस्त हो रहा है, सारा एक सार खेत है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, ये 61% में है एक्टिवेटेड फॉर्म में, और वो जो वो 46 में होती है, तो लगभग कितने ज्यादा हो रही, लगभग ये समझ लो 46 में 15% का फर्क हो गया, 15% तो ही 15% एक्टिवेटेड डीएपी जो है इसमें ज्यादा, और जो है इसमें भाई 41% पोटास। अच्छे। जो 41% पोटास है तो वो भी इसमें अच्छा है, 41% पोटास है। अब गट्टे वाली पोटास का रेट आज के टाइम में 1700 रुपए तो समथिंग चल रहा है। ये तो डीएपी जो हम घेरते हैं तो उसमें तो पोटास होती नहीं, ना उसमें नहीं होती जी पोटास, इसमें होती है, इसमें पोटास भी है और भाई जो है फास्फोरस भी, वो इसमें फास्फोरस भी 61% है, 46 की जगह 61 है, और जो अपने गट्टे वाली आती है उसमें 46 है, उसमें पोटास नहीं होती। अगर हम दोनों चीज का रेट देखा जाए, डाई का गट्टा 1350 रुपए, पोटास का गट्टा 1700 रुपए, 5 बीघे की डोज है, या अगर आप 1700 और 1300 देखते हो तो कुल मिलाकर 3500 के आसपास जो है मोटा मोटा खर्चा बैठ रहा है, और इसमें किसान के पैसे की भी बचत, टाइम की भी बचत, बजट हटने से भी छुट्टी, अगर भाई 50 किलो का वेट ठा कर लाओ, डीएपी घेरो, ये करो, ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला भाई। तो भाई किसान भाई है वो कहा जाएगा भाई के भाई एक बार जिसमें फायदा दिखे, आप अगर 5 बीघे गन्ना बो रहे या गेहूं बो रहे, मैं नहीं कहता कि आप पूरा यूज करो, आप अपनी गट्टे वाली जो डीएपी है 3 बीघे में वो डालो, और 2 बीघे बस, दो नहीं तो 1 बीघा, और उसी खेत में ही करके देखो, अलग खेत में नहीं देखो, आपको खुद अंतर नजर आएगा भाई। जैसे हम 5 बीघे गेहूं बो रहे या कुछ भी बो रहे, उसमें 1 बीघा इस तरह लिक्विड वाली तो करके देखो, उसी खेत में करके देखो तो पता जी भी चलेगा, चले भाई आज भी एक बार आदमी को दिख जाएगा अंतर, तो वो खुद इस पर आकर पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करा, जब बराबर बराबर में लगती है कोई चीज तब पता लगता है, बराबर है, अलग अलग खेत में लगा देना तो उसमें पता नहीं चलता, कंपैरिजन नहीं हो पाता। अब इसमें क्या है भाई, इंग्लैंड की है तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, इंग्लैंड की मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, हमारे यहाँ नाइट्रोजन की कमी है मिट्टी में। अब गन्ने में क्या करना है, इसमें गन्ने में हम यूरिया 25 किलो यूरिया ले लिया, 25 किलो सुपर ले लो, वैसे कोई सुपर की आवश्यकता नहीं है, आप यूरिया का पूरा गट्टा ले लो, अगर कोई भाई स्प्रे नहीं करना चाहता तो गट्टा लो और गट्टे में मिक्स कर लो इसे पूरी को, और खुड़ा खुड़ घेर दो आप इसे,
हाँ भाई साहब, अगर कोई कांची मेढे के आगे आकर फट भी गई ना, हाँ ऊपर आएगी मिट्टी से, हाँ और आप 8 दिन के बाद उसे देखोगे जाकर, तो आप अपने हाथ से उखाड़ नहीं सकते। तो मतलब इतनी जल्दी इसकी इतनी जल्दी जर्मिनेशन, अगर गन्ने में वो जड़ का विकास का मेन कारण यही है कि एक्टिव फॉर्मर जहाँ दाने से लगी, बीज से लगी दाने के, एकदम अपना काम चालू कर देती है। इसी वजह से इसकी जड़े लंबी है। कितनी जड़ है भाई मोहित? इसी वजह से इसकी जड़ ज्यादा है, लंबी है, यही कारण है मेन भाई। जो ये इधर वाली है भाई, ये है लिक्विड वाली, और ये सादी है जो इपको किया है। तो भाई अंतर तो है जो बात है। तो भाई सभी किसान भाइयों, भाई मैं तो सभी किसान भाइयों से एक बार यही कहना चाहूँगा भाई, एक बार अपने खेत में चाहे 1 बीघा बो चाहे 2 बीघे बो, लिक्विड डीएपी जरूर यूज कर देख लें एक बार। होमैक्स की आती है 45 के नाम से, और ये तो पता नहीं कितने प्रोडक्ट आ रहे, लेकिन यही यूज करनी है होमैक्स की। हाँ ये डब्बा है भाई, देख लो होमैक्स की है भाई, होमैक्स की 45 आती है। एक बार यूज करो, अच्छी लगे तो फिर अपने आप करोगे आप। हाँ भाई, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, पर है कि एक खेत में लगा के 1 बीघा में देख लो, हाँ अच्छी लगे फिर लगा लो। और भाई जितने और भी भाई मोहित भाई, हम तो पिछले 3 साल से ऐसे ही जो है यूज कर रहे, तो भाई आपको पता भी, आप ही गेहूँ वो भाई। जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं भाई, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और भाई लाइक कर दें, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें।